मैं आई हूँ अपने पति देव के कमरे पर तेरे लिए कुछ सरप्राइज है। कुछ सरप्राइज है तो क्या है इसके अंदर मुझे भी नहीं पता। अब हम जा रहे हैं घूमने के लिए, मेला लगा है तो अब मैं जा रही हूँ झूले में बैठने के लिए। लग रहा है बैठ चुके हैं झूले पे, देख सकते हैं इसकी हालत क्या है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज फिर आ गई हूँ आपके साथ एक नए ब्लॉग के साथ। और सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो मैं, आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरा कमरा तो है नहीं और आज मैं कहीं और आई हुई हूँ। तो मैं आई हूँ अपने पति देव के कमरे पर क्योंकि मैं आई थी हल्द्वानी अपने किसी काम से, किसी कॉलेज के काम से आई थी। तो मुझे वहाँ लेट हो गई थी तो पतिदेव ही रुद्रपुर जॉब करते हैं मेरी, तो वो मुझे लेने आ गए थे। तो मैं उनके साथ अभी यहाँ आई हुई हूँ और तो कल जाऊँगी मैं घर को। और कई लोग बोल रहे थे कि आपका ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा, आपका ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। मेरा ब्लॉग इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका है, उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी। कई लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि वॉइस प्रॉब्लम है, वो अच्छे से ही ख़राब हो गया था। तो अभी मैं ब्लॉग अपने पति देव के फ़ोन से बना रही हूँ। और अभी वो कहीं गए हैं, बोल रहे थे कि क्या कहते हैं तेरे लिए कुछ सरप्राइज है। कुछ सरप्राइज है तो अपने YouTube फैमिली को भी दिखाती हूँ कि ये मेरे पति देव क्या सरप्राइज लेके आए हैं मेरे लिए। तो पता नहीं, अभी तो गए हैं बाहर, जाके आता हूँ, कह रहे थे आए नहीं है और फ़ोन ही भूल के गए। तो मैंने सोचा चुपके से मैं वीडियो बना लेती हूँ और ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो आप मेरे ब्लॉग पे बने रहे, देखते हैं कि मेरे लिए आज क्या सरप्राइज आया हुआ है। तो पतिदेव आ गए हैं, देखते हैं, दरवाजा ओपन करते हैं, देखते हैं क्या सरप्राइज लेके आए हैं मेरे लिए। आगे ब्लॉग बना रही हूँ। अच्छा बेटा, क्या लेके आए? तेरे लिए गिफ्ट लाया हूँ। क्या लेके आए? देख लो खुद ही। तो देखते हैं क्या लेके आए हैं, आप देख सकते हैं। पता नहीं क्या है इसके अंदर, मुझे भी नहीं पता। तो दिखाते हैं हम, एक, अरे वाह, क्या है इसके अंदर? ओपन करो, देखो क्या है। पता नहीं, बाहर से तो पता नहीं चल रहा क्या है, अब अंदर ही खोल के पता चलेगा। करो, तो ओपन हो रहा है ये। मैंने तो पूरा डब्बा ही फाड़ दिया। पता नहीं इसे पसंद आता नहीं आता मेरा गिफ्ट, देखते हैं। अब जो भी दोगे मेरे लिए, जितनी छोटी चीज भी दोगे मेरे लिए बहुत बड़ी है। तो बहुत छोटी है भी। छोटी है कोई बात नहीं, आपका एक ऐसा गिफ्ट भी मेरे लिए बहुत है। खोल चुकी हूँ मैं, देखती हूँ क्या है इसके अंदर। ओह माय गॉड, ये तो फोन, ये मेरा न्यू फोन। खोलो तो देखते हैं इसको। नीचे रख लो, नीचे रख के देखो। वाव, ये मेरा न्यू फोन, कैसा लगा? आई एम सो हैप्पी, थैंक यू। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था, मेरा फोन खराब हो चुका है, मुझे पता नहीं था कि मेरे लिए ये सरप्राइज रखा हुआ है इन्होंने। तो ये है मेरा न्यू फोन, आप देख सकते हैं, मेरा फोन खराब हो चुका था। आपको तो पसंद आया? मेरे हबी ने मुझे ये गिफ्ट किया है, मेरे को बहुत पसंद आया। छोटा सा कह रहे थे, ये तो बहुत बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए। मुझे जिस चीज की जरूरत थी वो दे दिया। आपको कैसा लगा मेरा फोन तो आप कमेंट में बताना। ऑन कर दिया हमारा न्यू फोन। तो आपने फोन देख लिया है और अब हम जा रहे हैं घूमने के लिए। कहाँ जा रहे हैं हम घूमने के लिए? हाँ, मेला लगा ना यहाँ पे, तो मेले पे। हाँ, मेला लगा है तो वहाँ मुझे घुमाने लेके जा रहे हैं। आज तो मुझे सरप्राइज में सरप्राइज मिल रहे हैं। मैं मेरे को घूमना बहुत पसंद है, इसलिए घुमाने लेके जा रहे हैं। तो अभी हम तैयार होते हैं, अब हम जा रहे हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। तो जाने लगे हैं अब हम लोग, तो अब हम लोग जा रहे हैं, लिफ्ट रुक गई है मेले में। अब मेले में क्या करेंगे? खूब सारा सामान खरीदेंगे तुम्हारे लिए, झूला भी खरीदेंगे। आज तो मजे आने वाले हैं, मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। हम लोग पहुंच चुके हैं, ये गेट है, ये पतिदेव खड़े हुए हैं मेरे, और यहाँ पर झूला लगा हुआ है। मुझे तो देख के डर लग रही है, मैं बैठने वाली नहीं हूँ उन पे। Thank you.
यहाँ सेल लगी हुई है, देख सकते हैं। और ये अचार, आज तो पूरा मार्केट घूम रहे हम। ये सब गर्म कपड़ों की सेल लगी हुई है आसपास। ये मूर्तियां हैं सारी, आप लोग देख सकते हैं कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियां रखी हुई हैं। ये लकड़ी का बना हुआ है सारा सामान, देख सकते हैं इतना सारा सामान मिल रहा है यहाँ। ये लकड़ी का है सारा का सारा, और बहुत सारी डिजाइनिंग है इसमें, सुंदर सुंदर सामान यहाँ मिल रहा है। मेरे को घूमते वक्त बड़ा मज़ा आ रहा है, कल जब घर को चले जाऊंगी फिर मैं ये सब मिस करने वाली हूँ बहुत ज़्यादा। ये चश्मों की दुकान, अभी हम इस झूले में बैठने वाले हैं। मेरे को डर लगता है पर अभी ये साथ में है तो मैं इनको पकड़ लूँगी। झूला तो रुका हुआ है, मेरे को झूले में बैठना था, अभी थोड़ी देर में बैठूंगी आपको दिखाऊंगी वीडियो। इधर बच्चों का झूला लगा हुआ है, चलते हैं आगे। तो अब मैं जा रही हूँ झूले में बैठने के लिए, मुझे बहुत डर लग रहा है मैं कैसे बैठूंगी इतने बड़े झूले में। आप लोग देख सकते हैं मैं जा रही हूँ और मुझे अभी से डर लग रहा है, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। मतलब मेरा सेकंड बार है, मैं फर्स्ट बार बैठी थी तो तब से मुझे अभी तक बहुत डर लगता है, उस बार भी बहुत डरी हुई थी और मुझे आज भी बहुत डर लग रहा है। पर आज बच गए हैं तो संभाल लेंगे। हम बैठ चुके हैं झूले पे, देख सकते हैं इसकी हालत क्या है। मैंने गोलगप्पे खा लिए हैं, अब पतिदेव खा रही हूँ। मोमो खाने में लगे पड़े हैं नहीं है तो अब मैं भी खाने। जब भी आती हूँ यहीं के मोमो खाती हूँ, बहुत टेस्टी। तो अब हम जाने लग गए हैं रूम को वापस, तो हम उतर गए हैं टुक टुक से और अब हम पहुँचने वाले हैं। अब मैं सीधे आपको रूम में जाके मिलती हूँ। चुके हैं अपने रूम के पास, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने रूम पर, आप देख सकते हैं। अब रेस्ट करती हूँ, आज मैं बहुत थक चुकी हूँ, आज खूब इंजॉय करा हमने। और आप लोग कमेंट में बताना आपको कैसा लगा। थोड़ी देर आराम करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा थक चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आखिर तक बने रहने के लिए। बाय दोस्तों।